आयोटा हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो 4 ये लास्ट रह गया था इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि इस वीडियोज़ में मैंने 1, 2, 3 ये तीनों करवा रखा है, आप जाके देख लेना। अब जो हम लोग 4 करने वाले हैं और इसके अलावा भी जितनी भी एक्सरसाइज हैं एक्सरसाइज 1 का वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है और भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना जहाँ के क्लास 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर को मैंने यहाँ लिख रखा है, आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 5/2 है, तो 2 है ना, 25 किसका पावर 2 होता है, तो 5 का पावर 2 होता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग उसको बस लिखते हैं, तो 5 का पावर 2 हो गया 25 को मैंने ऐसे लिखा, और इसके ऊपर पावर हो गया मेरा 5/2। चलिए इनटू है तो इनटू कर देते हैं, 729 किसका, यहाँ पर पावर देखो 3 है, तो किसका होता है पावर 3, तो 9 का, तो 9 के का पावर 3 यानी कि 729 होता है, उसके ऊपर पावर 1/3 हो गया। चलिए अपॉन में ये 125 है, तो 125 हो गया आपको 5 का पावर 3 होता है, तो 5 का पावर 3 125 और उसके ऊपर पावर 2/3 है, तो 2/3। चलिए इनटू है तो इनटू, अब यहाँ देखो 27 है, 27 और यहाँ पर 2/3 है, तो किसका होता है, 3 का पावर 3 होता है 27। चलिए तो 3 का पावर 3 27 और उसके ऊपर पावर 2/3 है, तो 2/3। चलिए यहाँ पर क्या है हमारा 2/3 है, तो 8 यहाँ पर, 8 किसका होता है, यानी कि 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसके पावर 4/3 है, तो 4/3। अब यहाँ देखो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर होता है मल्टीप्लाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1/3 करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। चाहते तो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके देता, बट अब इतना तो नॉन है यार, तो कर ही पाओगे आप लोग इतना सारा क्वेश्चन करके आए हो। तो आइए, तो 5 का पावर 25, सॉरी 5 का पावर क्या है हमारा, 5 है, 5 to the power 5 है, बात समझ में आ रही ना। तो क्या करें सर, कि क्या उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 5 का पावर 25 है, मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा आगे निकल जाओगे, मल्टीप्लाई मत करो, पावर के फॉर्म में रहने दो, इससे आपको इजीली बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो तो इसको आप रहने दो 5 का पावर 5, ठीक, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखो ये है 9, सिर्फ 9 बचा क्योंकि ये तो कट गया, 9 को मिल सकते हैं कि 3 का पावर 2, चलो ये हो गया हमारा 3 का पावर 2 9 हो गया अपॉन, यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 ओके इनटू है तो इनटू, 3 का पावर बचा यहाँ पर 2, 3 का पावर 2 ओके, और यहाँ पर बचेगा 2 का पावर 4, तो ये हो गया इनटू 2 का पावर 4। चलिए अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये वाला टर्म क्योंकि देखो 3 का पावर 2 और यहाँ भी 3 का पावर 2 दोनों सेम काट डालो, कट गया, ठीक है। आइए अब देखो चाहो तो इन दोनों को यहाँ भी काट सकते हो, मगर अगर आपको यहाँ पर काटने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो घबराओ मत, इस वाले टर्म को नीचे से ऊपर लेके चले जाओ, हमें मालूम है जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर जो है हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में है तो सी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। चलो मैं इसको ऊपर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, इसीलिए मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको नीचे ही रहने देंगे। तो चलिए तो ये हो जाएगा हमारा क्योंकि 5 पे पावर 5 इनटू, इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 5 पे पावर हो जाएगा -2 अपॉन। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 16, तो 16 रहने दो नीचे में। अब यहाँ देखो इन दोनों में बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, बेस से बीच में अगर पावर मल्टीप्लाई होता है तो पावर होता है हमारा ऐड, तो इसको ऐड करेंगे पावर को, तो यानी कि जब पावर ऐड होगा तो तुम खुद सोचो कि 5 और -2 5 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3, तो यानी कि जो 5 पावर 3 हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 5 पे पावर 3 अपॉन 16, तो 5 पे पावर 3 का मतलब हो गया 125 अपॉन 16, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8/4 हैज़ बीन सॉल्व, ओके ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताते चले जाएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, उससे भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। और अगर समझ में आ भी रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।